दुनिया करीब करीब दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है। दोनों तरफ से मिसाइलों और तोपों के गरजने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फॉग ऑफ वॉर इतना घना है कि अब तक इस जंग में कितने लोगों की जान जा चुकी है इसका सही आंकड़ा भी पता नहीं चल पा रहा। जानकार बस अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों तरफ से अब तक करीब 2-2 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। आम लोगों की जान का हिसाब तो अंदाजे से भी बाहर है। 21वीं सदी में सैन्य कट्टरता और क्रूरता का आलम यह है कि बूचा जैसे जघन्य नरसंहार को अंजाम दिया गया है। हर तरह के हथियार, गोला बारूद और मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है। बात कई बार एटमी हमले तक भी पहुंच चुकी है। सेना से जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख दिया गया है और नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि सरेंडर करने के बावजूद दुश्मन खेमे के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। दोनों में से कोई भी न तो पीछे हटने को तैयार है और न ही बातचीत करने को। इस जंग की शुरुआत से ही भू राजनीति के जानकार इसे तीसरे महायुद्ध की आहट बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि यूरोप की ये दो देश आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? क्या इन दोनों का जो रिश्ता आज है वही पहले भी था, या संबंध आज के बरक्स बेहतर थे, या फिर हाल और भी बुरा था? नमस्कार, इतिहास गवाह है कि आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग की, जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। रूस यूक्रेन की कहानी को जानने से पहले एक सवाल पर गौर फरमाइए। क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी कौंधा है कि दुनिया के सबसे बड़े युद्धों का अखाड़ा यूरोप और खासकर पूर्वी यूरोप ही क्यों रहा है? इस बात को समझना हो तो भू राजनीति के बड़े जानकार रहे हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर की बात को गौर से सुनिए। मैकिंडर एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भू राजनीति को अच्छे से समझाने के लिए 1904 में द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री नाम से एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो भी देश पूर्वी यूरोप पर कब्जा करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। पूर्वी यूरोप और वर्तमान मध्य एशिया के हिस्सों से मिलकर बने क्षेत्र को उन्होंने हार्टलैंड का दर्जा दिया था। इसी हार्टलैंड को उन्होंने दुनिया का धुरी क्षेत्र यानी पाइवट एरिया बताया था। इस सिद्धांत को मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं। हार्टलैंड के अलावा मैकिंडर ने एक और टर्म दिया था, ये टर्म था वर्ल्ड आइलैंड, और इसमें शामिल था पूरा यूरोप और एशिया। इन दोनों टर्म्स को ध्यान में रखते हुए मैकिंडर ने कुछ अहम बातें बताई थी। पहली बात, जो देश पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण संभालेगा वो हार्टलैंड पर कब्जा करेगा। दूसरी बात, जो भी हार्टलैंड पर नियंत्रण करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पर कब्जा करेगा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो वर्ल्ड आइलैंड पर कब्जा करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। 1904 में मैकिंडर ने अपनी कलम से जो बातें लिखी वो 1914 आते आते तक लगभग साबित हो गई, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में मध्य और पूर्वी यूरोप का बड़ा हिस्सा ही इसका केंद्र था। हालांकि मैकिंडर की बातें व्यावहारिक हैं या नहीं इस पर भू राजनीति के ज्यादातर जानकारों की राय एक जैसी नहीं थी। लेकिन एक धड़ा ये जरूर मानता है कि नाजियों ने यूरोप को जीतने के लिए जिस तरह कूच किया था उस पर कहीं ना कहीं मैकिंडर की कही बातें खरी उतरती हैं। इधर दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया एक बाइपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो गई, जिसे कहते हैं शीत युद्ध का दौर, यानी दुनिया के तमाम मुल्क साफ तौर पर दो धड़ों में बट गए। इस शीत युद्ध को भी मैकिंडर की उसी हार्टलैंड थ्योरी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि रूस पूर्वी यूरोप पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहता था और न ही कभी उसकी पकड़ पूर्वी यूरोप पर कमजोर हो सकी। बस यहीं से जुड़ती है रूस और यूक्रेन की पूरी कहानी। जिस रूस का जिक्र हम इस कहानी की शुरुआत से ही कर रहे हैं, दरअसल वो 1991 तक यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर यूरोप और एशिया के कई देशों से मिलकर बना एक बड़ा राज्य था। इसमें यूक्रेन और रूस के अलावा 13 और देश शामिल थे। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मॉल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
यूक्रेन को मिलाकर इस यूनियन के लगभग सभी देशों पर रूस ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी। रूस किसी भी हालत में ईस्टर्न ब्लॉक को छोड़ना नहीं चाहता था, खासकर यूक्रेन को। इसकी वजह थी यहां के संसाधन, उद्योग और नीपर जैसी नदियों की मदद से होने वाली खेती। और इससे भी अहम मकसद था यूक्रेन को एक ऐसे बफर स्टेट के तौर पर विकसित करना जो समाजवादी यूएसएसआर का सीधा सामना पूंजीवादी पश्चिमी देशों से कभी ना होने दे। मतलब किसी भी हाल में पश्चिमी यूरोप के देश पूर्वी यूरोप तक अपने पैर पसारने में कभी कामयाब ना हो सके। लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन शुरू से ही रूस में शामिल था या रूस ने इसे धीरे धीरे अपने जबड़े में दबोचा था। एक समय यूक्रेन रूस का हिस्सा नहीं था, लेकिन रूस की नजर उस पर जरूर थी। अकेला रूस ही नहीं था जो यूक्रेन को जीतना चाहता था। अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आपको एक ही बात समझ आएगी, और वो ये कि पिछली कुछ शताब्दियों में यूक्रेन को दर्जनों शक्तियों ने रौंदा है। जब किसी का मन चाहा उसने राह चलते यूक्रेन को अपनी ताकत दिखाई है। 13वीं सदी में सबसे पहले मंगोल वॉरियर्स ने कीवियन रस पर हमला कर पूर्वी हिस्से को जीत लिया था। इसके बाद 16वीं सदी में पोलैंड और लिथुआनिया की सेनाओं ने पश्चिम से हमला कर यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये बात रूसी साम्राज्य के गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि इतनी बड़ी शक्ति और इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद बाहर की एक छिटपुट सेना उसके पड़ोसी पर कब्जा कर ले। बस फिर क्या था, कई दशकों तक पोलैंड और लिथुआनिया का यूक्रेन पर कब्जा रहने के बाद रूस ने इस इलाके में जंग छेड़ दी। एक तरफ थी पोलैंड और लिथुआनिया की संयुक्त सेना और दूसरी तरफ खड़ी थी जार्डम ऑफ रशिया की शक्तिशाली सेना, और ये जंग लड़ी जा रही थी यूक्रेन की सरजमी पर। 1654 से 1667 तक यानी 13 सालों तक चली इस जंग का नतीजा ये निकला कि नीपर नदी के पूरब का पूरा हिस्सा रूसी नियंत्रण में आ गया, जबकि पश्चिम में पोलैंड आर्मी ने कब्जा जमा लिया। यानी दो बाहरी शक्तियों ने यूक्रेन का पूरा नक्शा ही बदल डाला। नीपर नदी के बाएं हिस्से को कहा गया लेफ्ट बैंक, जबकि दाएं तरफ के हिस्से को कहा गया राइट बैंक। यानी जो नदी कुदरती तौर पर इस मुल्क को दो भागों में बांटती थी, वही नदी बाद में लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की वास्तविक सीमा भी बन गई। यूक्रेन का नक्शा जरूर बदला, लेकिन बदलते वक्त के साथ नहीं बदले तो रूसी साम्राज्य के तेवर और दूसरे मुल्कों की जमीन पर कब्जा जमाने की उसकी इच्छा। कैथरीन द ग्रेट की अगुवाई में रूसी साम्राज्य इतना आक्रामक था कि करीब 100 साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद 1792 में रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में सत्ता पर काबिज पोलैंड और लिथुआनिया पर फिर से चढ़ाई कर दी। नतीजतन जिस हिस्से पर अब तक पोलैंड और लिथुआनिया का कब्जा था, 1793 में रूसी साम्राज्य ने उसे अपनी जद में ले लिया। यानी 19वीं सदी के आते आते समूचे यूक्रेन पर रूस का नियंत्रण हो चुका था। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के लोगों के पास अपने इतिहास को याद करके अभिमान करने वाली कोई विरासत शुरू से ही नहीं रही, और आने वाले वक्त में भी हालात ऐसे ही रहने वाले थे, क्योंकि रूस की अधिकारवादी सत्ता और आक्रामक सेना विश्व अभियान पर थी। वे हर जगह रूस का दबदबा चाहते थे, जिसे उस वक्त के जानकारों ने रूसीकरण का नाम दिया था। यूक्रेन के लोग पहले से दबे सहमे हुए थे। ऊपर से रूसीकरण की नीति के तहत यहाँ के लोगों को यूक्रेनी भाषा बोलने तक से रोक दिया गया। यूक्रेन सहित पोलिश और लिथुआनियाई लोगों को भी अपनी भाषा छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। रूसीकरण की नीति ने रशियन ऑर्थोडॉक्स को इतना प्रमोट किया कि यूक्रेन के लोगों पर रशियन ऑर्थोडॉक्स में कन्वर्ट होने का दबाव बनता गया। कैथोलिक चर्चों को बंद कर दिया गया, लोगों पर जबरन रशियन ऑर्थोडॉक्स आस्था को थोप दिया गया। मतलब अब यूक्रेन के लोगों के पास अपना कुछ भी नहीं बचा था। जो जमीन थी उस पर रूसी साम्राज्य कब्जा जमाए बैठा था, जो जुबान थी वो भी रूसी हो चुकी थी, और उनकी आस्था भी जबरन रूस की थोपी हुई आस्था में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत यूक्रेनी नागरिकों के लिए आशा की एक किरण बनकर आई थी, क्योंकि इस सदी के दूसरे ही दशक में समाजवादी बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति को अंजाम दे दिया था। अक्टूबर क्रांति कैसे हुई, कब हुई और इसकी जड़ें कहां थीं, इन सभी मुद्दों के बारे में सारी बातें विस्तार से किसी और एपिसोड में आपसे जरूर साझा करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि अक्टूबर क्रांति के बाद यूक्रेन ने खुद को 1918 में आजाद घोषित कर दिया। लेकिन जिस क्रांति के दम पर यूक्रेन अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, वही क्रांति उसके लिए सिरदर्द बन गई। इसकी वजह यह थी कि रूसी क्रांति के बाद व्यवस्था के खिलाफ इन देशों में गृह युद्ध छिड़ गया।
यूक्रेन उन देशों में से एक था जो इस तरह के गृह युद्धों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। 1917 से लेकर 1921 के बीच यूक्रेन के राष्ट्रवादियों और रूसी बोल्शेविकों के बीच में एक लंबी जंग चली। रूस की आर्मी का वास्तव में कोई काट नहीं है, ये बात उस वक्त से लेकर आज तक सिद्ध है। बोल्शेविकों की सेना को रेड आर्मी कहा जाता था, खूंखार और मातृभूमि के लिए मर मिटने वाली रेड आर्मी। रेड आर्मी ने ज्यादा वक्त न लेते हुए यूक्रेनी राष्ट्रवादियों को पटकन ही दे दी और यूक्रेन के 2/3 से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। एक बड़े हिस्से में रेड आर्मी यानी बोल्शेविकों का दबदबा कायम हो चुका था, बस कमी थी तो केवल एक औपचारिक घोषणा की। जल्द ही बोल्शेविकों ने यहां रशियन SFSR यानी रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक की घोषणा कर दी। रशियन SFSR का लीडर था लेनिन के नाम से प्रसिद्ध व्लादिमीर इलिच उलेनेव। साम्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए उसने 1922 में एक संधि तैयार की, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे रूस और आसपास के सोवियतों को एक करना था। मोटे तौर पर सोवियत का मतलब एक ऐसी परिषद से था जो कम्युनिस्ट खेमे से चुनकर आती हो। लंबे वक्त से लेनिन अपने साम्यवादी अभियान में लगा हुआ था, इसलिए सोवियतों को एक मंच पर लाने में उसे मशक्कत नहीं करनी पड़ी। 1922 में जिस संधि का मसौदा लेनिन ने सामने रखा, उसके तहत एक सोवियत यूनियन का गठन किया जाना था। दिसंबर 1922 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रशियन SFSR, ट्रांसकॉकेशियन SFSR, यूक्रेनियन SSR और बेलारूसियन SSR के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यहां सभी प्रतिनिधियों ने इतिहास के सबसे बड़े गठबंधन को अंजाम देने के लिए अपनी हामी भरी और इस तरह बना दुनिया का सबसे बड़ा देश USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। USSR के चार बड़े जोन थे, रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक, ट्रांसकॉकेशियन सोशलिस्ट फेडरेटिव सोवियत रिपब्लिक, यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और बेलारूसियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत यूनियन के बनने से लेकर उसके विघटन और उसके नेताओं की भूमिका की पूरी कहानी हम किसी न किसी एपिसोड में आपके साथ जरूर साझा करेंगे, लेकिन अभी बात यूक्रेन की करते हैं। यूक्रेन आजाद अब भी नहीं हुआ था क्योंकि वह USSR का हिस्सा बन गया। इसका मतलब सीधे तौर पर यह था कि यूक्रेन में अब तक जो जार शासन था उसको बोल्शेविकों ने बस USSR का नाम दे दिया था। असली पावर अब भी रूस यानी लेनिन के हाथों में थी। लोगों की दशा वही थी, बस दिशा देने वाले बदल गए थे, पहले जार तो अब लेनिन। जनवरी 1924 में लेनिन की मौत हो गई और कमान आ गया जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन के हाथों में। स्टालिन भी साम्यवाद के प्रसार में जोर शोर से लगा हुआ था, लेकिन किसानों और मजदूरों के लिए उसने एक गलत नीति बना दी थी। ये नीति थी कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी, जिसके जरिए किसानों को जबरन बड़े फार्म्स में शामिल किया गया। इस नीति का किसानों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। इसका सीधा असर आम जनता पर भी देखा गया, जब पूरे USSR को अकाल ने अपनी चपेट में ले लिया था। यूक्रेनी नागरिक खेती करने में अच्छे थे, इसलिए स्टालिन की इस बड़ी गलती का सबसे बड़ा खामियाजा USSR के पश्चिमी हिस्से यानी आज के यूक्रेन को उठाना पड़ा। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि इस मानव निर्मित भुखमरी के चलते महज यूक्रेन में ही करीब 70,00,000 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। स्टालिन दुनिया भर में साम्यवाद की गहरी और लंबी मौजूदगी दर्ज करने के लिए पहले से ही अभियान पर था, लेकिन समय बीत रहा था और यूरोप के कई देशों में पूंजीवाद का असर अब बढ़ने लगा था। USSR नहीं चाहता था कि पूंजीवाद और पश्चिमी शक्तियां किसी भी तरह पूर्वी यूरोप के हिस्से में दाखिल हों, यानी सीधे तौर पर यह लड़ाई अब पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की बन चुकी थी। स्टालिन अच्छे से जानता था कि आने वाले वक्त में यूक्रेनी लोग भी निश्चित तौर पर लामबंद होंगे। उसे अनुमान था कि आगे चलकर यूक्रेन के लोग पूंजीवाद के पक्ष में रूस के खिलाफ ही आवाज उठाने लगेंगे। इसकी वजह यह थी कि यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर लंबे वक्त से पोलैंड और लिथुआनिया का कब्जा रहा था और यहां की आबादी एंटी रशियन थी। ऐसे में स्टालिन का डरना लाजमी था। ये बात बाद में साबित भी हुई, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। स्टालिन ने भविष्य में सोवियत को होने वाले किसी भी नफा नुकसान की काट भी निकाल ली। उसने एक दूरगामी चाल चली जिसका हर्जाना आज तक यूक्रेन भुगत रहा है। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ नीपर नदी के पूर्वी हिस्से में धीरे धीरे ऐसे लोगों को बसाना शुरू कर दिया जो मूल रूप से रूसी थे,
उन लोगों को न तो यूक्रेनी भाषा बोलनी आती थी और न ही उन्हें यूक्रेनी संस्कृति का कोई अंदाजा था। नतीजा ये हुआ कि लंबे वक्त के बाद यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह प्रो रशियन बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सोवियत ने नीपर के पश्चिमी हिस्से को भी अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन पर मुसीबतें जैसे कम होने का नाम ही न ले रही हो। 1986 में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के हादसे ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी। इस घटना के बाद यूक्रेनियन SSR को उसके बजट के बराबर आर्थिक हानि हुई। मतलब यूक्रेन अब राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर बेहद कमजोर हो चुका था। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदला और राजनीतिक तथा वैचारिक स्थिति इतनी तेजी से बदली कि 1991 में USSR टूटने की कगार पर पहुंच गया। दुनिया का सबसे बड़ा देश देखते देखते अब 15 छोटे देशों में बट गया। हवा का रुख देखकर यूक्रेन ने भी खुद को नया स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। सोवियत मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पश्चिमी गुट के लिए जरूरी था कि सोवियत संघ रूस विघटित हो जाए। 1991 के सोवियत विघटन में वही हुआ जो पश्चिमी खेमा चाहता था। भारत जैसे एकाध देशों को छोड़ दें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया साफ साफ दो खेमों में बट चुकी थी, पूंजीवादी पश्चिमी खेमा और साम्यवादी रूस तथा उसके समर्थक देश। पश्चिमी खेमा पूर्वी यूरोप तक पूंजीवाद का प्रसार करना चाहता था, जिसके लिए उसे यूक्रेन जैसे देशों का साथ चाहिए था। लेकिन यूक्रेन का साथ मिलना या उसे पूरी तरह वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल करना इतना आसान नहीं था। इधर रूस के लिए भी यूक्रेन को अपने साथ मिलाकर रखना मुश्किल ही था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि यूक्रेन की जनता पहले से ही प्रो रशिया और एंटी रशिया में बटी हुई थी, जिसकी नींव स्टालिन ने बहुत पहले ही रख दिया था। यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत रहे स्टीवन पाइफर ने खुद कहा था कि द सेंस ऑफ यूक्रेनियन नेशनलिज्म इज नॉट एज डीप इन द ईस्ट एज इट इज इन द वेस्ट। मतलब यूक्रेनी राष्ट्रवाद पश्चिम में उतना गहरा नहीं है जितना कि पूर्व में। यूक्रेन में बदलती सरकारें भी दोनों पक्षों के लिए अब तक चुनौती रही हैं। यूक्रेन में कभी प्रो रशियन गवर्नमेंट बनी है तो कभी एंटी रशियन गवर्नमेंट बनी है, और इसी राजनीतिक उठापटक ने आज के समय में यूक्रेन को एक पेंडुलम की तरह झूलता छोड़ दिया है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। साल 2000 में एंट्री होती है रूस की खुफिया एजेंसी KGB में तेज तर्रार अफसर रहे व्लादिमिरोविच पुतिन की। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की नजर में पुतिन को एक राष्ट्रवादी, तेज तर्रार, फैसला लेने वाला और उग्र प्रवृत्ति का माना जाता रहा है। राष्ट्रपति की गद्दी पर काबिज होने के बाद पुतिन अपने अभियान में लग चुके थे। उन्हें डर था कि नाटो कहीं यूक्रेन को अपने पक्ष में न कर ले और उसका सैन्यकरण कुछ इस तरह न कर दिया जाए कि रूस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएं। पुतिन को यह डर भी था कि यूक्रेन पश्चिमी खेमे में न चला जाए। निश्चित रूप से इसकी भी कोई ना कोई वजह होनी ही चाहिए। वजह थी 2004 में यूक्रेन में हुई ऑरेंज रिवॉल्यूशन। 1991 से चली आ रही सरकारें यूक्रेन में बदलाव लाने में नाकाम रही थीं। इसीलिए यहां के युवा चाहते थे कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के साथ मिल जाना चाहिए। प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि 2004 में यहां पश्चिम समर्थित उम्मीदवार विक्टर युश्चेंको को राष्ट्रपति बना दिया गया। इन चुनावों में युश्चेंको ने प्रो रशियन माने जाने वाले यानुकोविच को अच्छे खासे अंतर से हरा दिया था। राजधानी कीव में हुई क्रांति से पुतिन परेशान थे, क्योंकि ये लहर एक तरह से एंटी रशियन थी और पश्चिमी खेमे को हवा दे रही थी। हालांकि यूक्रेन में मौजूद रूस समर्थित और अलगाववादी खेमा भी कमजोर नहीं था। विक्टर यानुकोविच ने 2010 में फिर से चुनाव लड़ा और 2014 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति की गद्दी पर काबिज रहे। इस दौरान पश्चिमी यूक्रेन में यानुकोविच के खिलाफ आवाज बुलंद होती रही। इसकी वजह यह थी कि यानुकोविच को रूसी समर्थक माना जाता रहा है, क्योंकि वह पूर्वी राज्य दोनेत्स्क के गवर्नर थे। दोनेत्स्क क्योंकि पूर्वी हिस्सा है, इसलिए आप जानते ही हैं कि यहां अलगाववादियों और रूस समर्थित जनता का दबदबा था। यानुकोविच के खिलाफ प्रदर्शन क्यों ना हो, उसने काम ही ऐसे किए थे कि युवाओं में भारी आक्रोश पनप गया था। रूस के दबाव में आकर ही यानुकोविच ने EU के साथ होने वाले एसोसिएशन अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि जनता इसके उलट EU के साथ जाना चाहती थी। अग्रीमेंट पर साइन करने की प्रक्रिया के सस्पेंशन होने के बावजूद EU नेता 28-29 नवंबर के बीच लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में इकट्ठा हुए, लेकिन यूक्रेन की तरफ से वहां कोई नहीं पहुंचा।
इस बात की नाराजगी यूक्रेन के युवाओं में भरी हुई थी। कैबिनेट की तरफ से किए गए अनाउंसमेंट के कुछ घंटों बाद ही राजधानी कीव के मैदान नेजालेज्नोस्ती में यानी इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर लगभग 1,00,000 से ज्यादा युवा इकट्ठा हो गए। करीब 30,000 लोग लवीव में इकट्ठे हुए। सभी की एक ही मांग थी, यूक्रेन को EU में शामिल किया जाए। आंदोलन इसलिए भी हो रहे थे कि यूक्रेन से अब प्रो रशियन गवर्नमेंट हटाई जाए। उनके शरीर पर नीले और पीले रंग का यूक्रेनी और EU का झंडा लिपटा हुआ था और जुबान पर एक ही बात थी, वी आर यूक्रेनियंस, वी आर यूरोपियंस एंड यूक्रेन, दैट इज EU। यही वजह थी कि 2014 में सरकार के खिलाफ जमकर हिंसक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों को यूरो मैदान रिवोल्यूशन का नाम दिया गया था। इसके बाद यूक्रेन की संसद ने यानुकोविच से राष्ट्रपति का पद छीन लिया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जब यूक्रेन को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। यूक्रेन को 2014 में क्रीमिया अपने हाथ से गंवाना पड़ा और 2022 में डोनबास रीजन। दोनों ही बातों को एक एक कर समझिए। जानकारों की माने तो यानुकोविच से राष्ट्रपति पद छीनने के बाद यूक्रेन पर पुतिन की पकड़ कमजोर हो चुकी थी, इसलिए रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप का राग अलापना शुरू कर दिया। अब टाइमिंग को गौर से देखिए। फरवरी 2014 में यानुकोविच की बेदखली होती है और उसी महीने रूस क्रीमिया को कब्जे में लेने के लिए अपना एक्शन शुरू कर देता है। नक्शे पर देखिए तो पता चलेगा कि क्रीमिया काला सागर और अजोव सागर के बीच अवस्थित एक प्रायद्वीप है जो उत्तर में एक पतली पट्टी के सहारे यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। इसका पूर्वी हिस्सा रूस के साथ एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। इस प्रायद्वीप और रूस के बीच एक जलीय पट्टी है जिसे कर्च स्ट्रेट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन क्रीमिया को रूस में शामिल क्यों करना चाहते थे। असल में बकौल पुतिन, रूस अपनी एक पुरानी गलती को सुधारना चाहता था। रूसी साम्राज्य ने 1783 में क्रीमिया को ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे से छुड़ाया था, लेकिन 1954 में रशियन SFSR ने क्रीमिया प्रायद्वीप को यूक्रेनियन SSR के नाम कर दिया। तब से लेकर 2014 तक क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा बना रहा। रूस पहले से ही क्रीमिया को अपने में शामिल करने की धमकी दे रहा था और बदले में पश्चिमी खेमा रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी कर चुका था। इन सब के बावजूद फरवरी 2014 में अचानक रूस ने सैन्य कार्रवाई की और क्रीमिया को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। जो पश्चिमी देश अब तक रूस को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे, वो खेमा अब मूकदर्शक बना हुआ था। उसके पास रूस पर सैंक्शन लगाने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। पुतिन को जिस तरह की शख्सियत माना जाता है, उन पर धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, नतीजा ये जरूर हुआ कि रूस को दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुट G8 से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। क्रीमियन एनेक्सेशन के पीछे सैन्य जानकार यही मानते हैं कि क्रीमिया रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम था, ताकि यूक्रेन को दक्षिण से घेरा जा सके। आखिर रूस को पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को भी तो सपोर्ट करना था, और अगर डोनबास क्षेत्र को कभी स्वतंत्र घोषित करने की जरूरत आन पड़ी तो कम से कम दक्षिण से रूस अपना नेवल फ्रंट खोल सकता था। अब तक सब कुछ बिल्कुल रूसी योजना के हिसाब से ही चल रहा था। मई में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन इससे ठीक 13 दिन पहले ही यूक्रेन के पूर्वी राज्यों दोनेत्स्क और लुहांस्क ने खुद को यूक्रेन से आजाद घोषित कर दिया। तैयारी थी क्रेमलिन को मजबूत करने की और कीव पर क्रेमलिन से बातचीत करने का दबाव डालने की। दोनों राज्यों ने चुनावों में शामिल न होने की घोषणा कर दी। यहां वोटिंग की गई जिसमें नतीजा निकला कि दोनेत्स्क के 89% जबकि लुहांस्क के 96% लोग यूक्रेन से अलग होकर संप्रभु देश बनना चाहते हैं। अब सोचिए कि समय का पहिया कब, कैसे और किधर घूम जाए किसको पता। लेनिन ने जिन गैर यूक्रेनियों को पूर्वी यूक्रेन में बसाया था, वे अब रूस के कितने काम आ रहे थे। लेनिन की वजह से ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के दो राज्य दोनेत्स्क और लुहांस्क ऐसे इलाके बन गए थे जहां ज्यादातर आबादी रूस को सपोर्ट करती थी। दोनेत्स्क और लुहांस्क दोनों ही राज्यों ने रूस सहित दूसरे देशों से खुद को मान्यता देने की अपील की, लेकिन उम्मीद से बिल्कुल इतर किसी भी देश ने इन्हें मान्यता नहीं दी। चलिए यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन हद तो तब हो गई जब रूस ने भी इन दोनों राज्यों को मान्यता नहीं दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह आपको आगे समझ आएगी। यूक्रेन को शुरू से ही रूस से डर था, इसलिए 2008 से ही वह नाटो में खुद को शामिल करने की मांग कर रहा था। लेकिन 2010 में यूक्रेन का राजनीतिक समीकरण ऐसा बदला कि यूक्रेन की संसद ने ही खुद को किसी भी सैन्य गुट में शामिल होने से बैन कर दिया।
हालांकि 2012 में नाटो में शामिल होने की मांग फिर से तेज होने लगी और 2014 में जब क्रीमिया यूक्रेन के हाथ से चला गया तो यूक्रेन इससे और डर गया। 2017 में यहां एक पब्लिक पोल हुआ जिसमें लगभग 70% लोगों ने नाटो में शामिल होने के समर्थन में हामी भरी। यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए इसलिए बेताब था क्योंकि नाटो का चार्टर ही कुछ इस तरह का है। चार्टर का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर कोई भी हमला होता है तो उसे संपूर्ण नाटो पर हमला माना जाएगा और इसकी रक्षा में कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। इधर नाटो ने भी पूर्वी यूरोप में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए मेंबरशिप एक्शन प्लान को तेज कर दिया था। 2019 में वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, जिन्हें सीधे तौर पर पश्चिमी समर्थक माना जाता रहा है, इसलिए नाटो में शामिल करने के यूक्रेन के दावे और मजबूत होने लगे। कई बार तो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को डिफेक्टो मेंबर ही घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि खुद को तेजी से फैलाने वाला नाटो यूक्रेन को इतने सालों में अपना सदस्य क्यों नहीं बना सका, इसकी भी कुछ ठोस वजहें हो सकती हैं। पहली वजह यह कि अगर कोई भी देश नाटो का सदस्य बनना चाहता है तो इसके लिए उसे नाटो के सभी देशों का समर्थन हासिल होना चाहिए। लेकिन यहां हंगरी और जर्मनी को यूक्रेन को शामिल करने को लेकर कड़ा एतराज था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पुतिन ने सीधे शब्दों में धमकी दी थी कि नाटो पूर्व की तरफ न बढ़े, वह यूक्रेन को अपने में शामिल न करे और उसका सैन्यकरण करना बंद करे। अगर नाटो और यूक्रेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो न केवल यूक्रेन बल्कि नाटो सदस्यों को भी बुरे परिणाम भुगतने होंगे। नाटो जानता था कि अगर वो यूक्रेन को अपना सदस्य बनाता है तो रूस वास्तव में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पश्चिमी देश रूस के स्वभाव से भलीभांति परिचित थे। 2008 में जॉर्जिया का हाल वे देख ही चुके थे। जॉर्जिया भी नाटो में शामिल होने की जिद पकड़े हुए था, जिसके बाद 2008 में रूस और जॉर्जिया के बीच युद्ध छिड़ गया। नतीजतन जॉर्जिया नाटो में शामिल तो नहीं हो पाया, उल्टे उसे अपने दो क्षेत्रों दक्षिण ओसेतिया और अबखाजिया को पूरी तरह गंवाना पड़ा। हालांकि नाटो न तो यह दिखाना चाहता था कि वह रूस से डरता है और न ही दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की अपील को उसने न तो स्वीकार किया और न ही रद्द किया। इधर रूस इसलिए उग्र हो रहा था क्योंकि यूएसएसआर के विघटन के बाद पिछले कुछ दशकों में रूस का राजनीतिक रसूख कम हो चुका था। साथ ही धीरे धीरे यूएसएसआर के पुराने सदस्य रहे लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया नाटो में शामिल हो चुके थे, जिससे रूस को अपनी सुरक्षा पर खतरा नजर आ रहा था। रूस यह भी दावा करता है कि सोवियत संघ रूस के विघटन के वक्त अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचेव से वायदा किया था कि नाटो पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेगा, इसलिए पहले बाल्टिक देश और अब यूक्रेन को शामिल करने की नाटो की नीति 1991 के वायदे के खिलाफ है। रूस ने साफ कहा है कि इस बात की अब कोई गुंजाइश नहीं बची कि यूक्रेन और जॉर्जिया के सहारे नाटो की मिसाइलें क्रेमलिन की तरफ तन। 2021 के आखिरी महीनों में तनाव काफी बढ़ चुका था। यूक्रेन मानने का नाम नहीं ले रहा था और रूस क्रीमिया के साथ साथ पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाता जा रहा था। रूस बेहद आक्रामक हो रहा था, उसने लाखों की सेना पश्चिमी मोर्चे पर लगा दी थी। इसके जवाब में पश्चिमी गुट के देश मदद के नाम पर यूक्रेन में नाम मात्र के सक्रिय सैनिकों का दिखावा भर कर रहे थे। रूस कब हमला करेगा इसको लेकर भी पश्चिमी देशों के सभी खुफिया इनपुट्स गलत साबित हो गए। तारीख कुछ बताई गई, बोला गया कुछ और हुआ कुछ और। रूस ने पहले अपने टैंक्स को वापस ले जाने का नाटक किया, फिर 21 फरवरी को रूसी संसद ड्यूमा ने एक बिल पास किया और यूक्रेन के डोनेट्स्क पीपल एंड रिपब्लिक एंड लोहांस्क पीपल एंड रिपब्लिक को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जानकार बताते हैं कि रूस ने डोनेट्स्क और लोहांस्क को 2014 में इसलिए मान्यता नहीं दी थी क्योंकि भविष्य में अगर वह यूक्रेन को रोकता तो किसका बहाना लेता, इसलिए रूस ने मौका देखते ही 2022 में ही दोनों राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर अलग राज्य की मान्यता दे दी। 3 दिन बाद यानी 24 फरवरी 2022 के दिन रूस ने डोनबास रीजन के डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन के नाम पर युद्ध का बिगुल फूंक दिया। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर इसके लिए डोनबास के लोगों की सुरक्षा का हवाला दिया। 24 फरवरी से शुरू हुई इस लड़ाई ने धीरे धीरे खेरसन, खार्किव, कीव, ओडेशा जैसे लगभग सभी इलाकों को अपनी जद में ले लिया। फरवरी और मार्च में यूक्रेन के लगभग हर शहर में हर 5 मिनट में सायरन बज रहे थे।
पता नहीं कब किस स्टेशन पर रूसी बम गिर जाए। रूस की हिम्मत देखिए कि नीपर नदी के पश्चिम में न आने की धमकी के बावजूद उसने लवीव पर भी हमला बोल दिया, जो नाटो देश पोलैंड की सीमा से महज 80 किलोमीटर दूर है। रूसी समर्थक दावा कर रहे थे कि कीव को जीतना क्रेमलिन के लिए महज 30 दिन का खेल है, लेकिन 30 छोड़िए, पूरे 365 दिन से ज्यादा बीत चुके, कोई समाधान नहीं निकल पाया और न ही क्रेमलिन कीव को जीत पाया। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक रूस ने अपना फुल फ्लेज्ड अटैक नहीं किया है, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने जिस तरह रूसी सेना के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाया, वैश्विक सैन्य जानकार इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। हो सकता है यूक्रेन को नाटो से अंदर ही अंदर मदद भी मिल रही हो। इस पूरे घटनाक्रम में यह सबक तो सबको मिल ही चुका है कि अगर आप खुद कमजोर हैं तो सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून बेकार हैं, धत्ता हैं, चाहे फिर वह बुडापेस्ट मेमोरेंडम हो या फिर जेनेवा कन्वेंशन। यूक्रेन को यहां कूटनीतिक परिपक्वता दिखाने की जरूरत थी। उसे समझना था कि कौन क्या चाल चल रहा है, किसका क्या फायदा है। उसे समझना था कि उसकी अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है कि वह भारी बमबारी को झेल सके। उसे सोचना चाहिए था कि 2008 में जॉर्जिया के साथ क्या हुआ था। पिछले एक साल से पूर्वी यूरोप में यह सब जो हो रहा है उसमें यह सवाल अलग है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन इतना जरूर है कि विकास के युग में सिर्फ वैचारिक मतभेद के नाम पर करोड़ों अरबों स्वाहा कर देने और लोगों को मौत के घाट उतारने का हक ऐसे राष्ट्राध्यक्षों को नहीं होना चाहिए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि रूस यूक्रेन की जंग का अंतिम मुकाम क्या होता है। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में मैं अमृत उपाध्याय आपसे विदा लेता हूं। हमारे पिछले एपिसोड्स को आपसे काफी प्यार मिला है, आपके कमेंट्स से हमें सीखने को मिलता है, और इसी सीख के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।